उत्तर भारत के किसानों ने काफी लंबे समय के बाद राजधानी दिल्ली को अपने विरोध का गढ़ बनाया। दिल्ली में जो देखने को मिल रहा है वो 32 साल पहले देखा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों को लेकर बोट क्लब पहुंचे और धरना शुरू किया। मांग थी कि गन्ने की फसल के दाम ज्यादा मिले और बिजली पानी के बिलों में छूट मिले, जो पूरी भी हुई। मौजूदा आंदोलन अब 3 महीने से ज्यादा चल चुका है और दिल्ली के बॉर्डर पर डटे लाखों किसान इस मांग पर अड़े हुए हैं कि कुछ महीने पहले लागू हुआ नया कृषि कानून वापस लिया जाए। दूसरी तरफ सरकार उनसे बातचीत करने के इच्छुक दिखी है, लेकिन नए किसान कानून को वापस लेने या पूरी तरह से बदलने की बात किए बिना। किसान संगठन अब केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं। इसी सिलसिले में संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के मुताबिक केएमपी एक्सप्रेसवे को किसान जाम करेंगे। बंगाल में 12 मार्च को किसानों की विशाल रैली होगी। इसके अलावा बंगाल समेत उन सभी राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी का विरोध करेगा जहां कुछ ही समय बाद चुनाव होने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों को संगठित करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में मोर्चा ने गुरु रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहीदी दिवस पर मजदूर किसान एकता दिवस मनाया था। इस दौरान नगर कीर्तन भी निकाला गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली की सभी सीमाओं पर मजदूर व मजदूर संगठनों ने इस आयोजन में भागीदारी की थी। देश भर के अनेक मजदूर संगठनों ने किसानों के संघर्ष को जरूरी ठहराते हुए अपना समर्थन दिया था। मजदूर संगठनों ने दिए एक संयुक्त बयान में किसानों के संघर्ष की हिमायत की और मजदूर किसान एकता दिवस को समर्थन दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर एक आम बैठक की। आगामी दिनों के कार्यक्रम के लिए इसमें कई निर्णय लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा 8 मार्च को महिला किसान दिवस के रूप में मनाएगा। देश भर के सभी संयुक्त किसान मोर्चे के धरना स्थल 8 मार्च को महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। इस दिन महिलाएं ही मंच प्रबंधन करेंगी और वक्ता होंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को 3 महीने से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में मार्च महीने में दर्जन भर महापंचायत आयोजित की जा रही हैं ताकि इस आंदोलन को और धार दी जा सके और लोगों को इन कानूनों के बारे में जागरूक किया जा सके। लेकिन बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार और किसान फिर से बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं बैठ रहे। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से 28 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसमें देश के कई जगहों पर महापंचायतें आयोजित की जाएंगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इन सभी महापंचायतों में शामिल होंगे। 12 मार्च को राजस्थान के जोधपुर में, 14 मार्च को मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित कार्यक्रम में टिकैत शिरकत करेंगे। आखिर में 20, 21 और 22 मार्च को कर्नाटक में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। किसानों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जब तक सरकार बात नहीं करती है तब तक इसी तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठती रहेगी। सरकार और किसानों की 11 दौर की बातचीत के बाद अभी तक फिर से बातचीत के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। ऐसे में किसान बॉर्डर पर ही बैठे हुए हैं। इस पर जब राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, आम जनता को साथ में आना चाहिए, आम जनता को ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि आप ही सरकार से बात नहीं करेंगे तो हल कैसे निकलेगा। बहरहाल सरकार भी सख्त और किसान नेताओं के तेवर भी तल्ख हो रहे हैं। महापंचायत ही नहीं, एक दूसरे के खिलाफ दलीलें भी आम होने लगी हैं। हर मोर्चा अपने अपने स्तर पर किसान आंदोलन को तेज करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसान आंदोलन पर डटे हैं। ऐसे में क्या कहा जाए, ये आंदोलन अब आगे क्या मोड़ लेगा, क्योंकि किसान नेता कह रहे हैं कि अब बातचीत के लिए सरकार को आगे आना होगा, क्योंकि इतने दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। क्या सरकार झुकती है या फिर किसान आंदोलन बैकफुट पर आएगा, ये देखने वाली बात होगी।